अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कल देवबंद के गांव सापला में एक मासूम बच्चे का कत्ल किया गया था, आखिर उसका कातिल कौन है, सुनिए तफसीली रिपोर्ट। नाज़रीन, तफसीर के मुताबिक देवबंद कोतवाली इलाके के गांव सापला के रहने वाले मुफ्ती नफीस अहमद का 12 साल बेटा जकवान पीर की देर शाम मदरसे की छुट्टी होने के बाद घर नहीं पहुंचा और मुश्तबे हालात में गायब हो गया। अहले खाना ने बच्चे को इधर उधर तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। नाजरीन, मदरसा में मालूमात करने पर पता चला कि छुट्टी के बाद तालिबे इल्म घर जाने के लिए रवाना हो गया था लेकिन देर रात तक भी बच्चा घर नहीं पहुंचा। नाजरीन, मंगल की सुबह गांव के पास ही एक सरसों के खेत में जकवान की गर्दन रहती हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इत्तला मिलने पर SSP समेत आला अफसरान पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लाश को कब्जे में लेकर मालूमात हासिल की, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऐसा शख्स जाहिर किया गया था कि तालिबे इल्म को पहले बदफेली का शिकार बनाया गया और उसके बाद धारदार हथियार से गला रेतकर उसका कत्ल किया गया। वाकये के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गांव का माहौल गमगीन हो गया। वहीं बच्चे की मौत से अहले खाना में मातम फैल गया। इस दौरान SSP और SP देहात सूरज राय ने टीम के साथ गांव पहुंचकर तहकीकात को तेज किया और मदरसा और गांव में नसब CCTV कैमरों को स्कैन किया तो मुतवफ़ा लड़का मदरसे के ही कुछ लड़कों के साथ जाता हुआ नजर आया। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो अचानक केस की परतें खुलने लगी, जिसके बाद पुलिस ने एक 15 साल साथी तालिबे इल्म को हिरासत में ले लिया। वो भी उसी मदरसे में पढ़ता है और उसके पड़ोस में रहता है। पूछताछ पर मुलजिम तालिबे इल्म ने गांव में खेत के करीब बदफेली के बाद 12 साल तालिबे इल्म को दराती से कत्ल करने का एतराफ भी किया है। पुलिस ने मौके से दराती भी बरामद कर ली है। SSP ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने तालिबे इल्म को बदफेली के बाद कत्ल किया था। नाज़रीन, उधर देर शाम पोस्टमार्टम के बाद इंतहाई गमगीन माहौल में बच्चे को गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नाज़रीन, इस रिपोर्ट से मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। हर रोज हालात हाजिरा पर मुख्तसर न्यूज के लिए कम वक्त में बड़ी खबर पाने के लिए हमारा चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।